नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और पंचमी है आज, और आज का बड़ा महत्व होता है। आज ही के दिन जो हरियाली के ऊपर कवर रहता है जिसे संपट कहते हैं, और आज संपट को खोलते हैं और हरियाली आज पहली बार हमें दिखेगी कि कितनी उगी है, क्या उगी है। और ये हमारे साथ मानवी हैं। तो मानवी जी, क्या है फिर आज का? आज का मतलब यही है कि अभी हरियाली निकलेगी तो हमें उसके दर्शन होंगे, और आज पूरा थोड़ी सी लंबी भी होगी। अच्छा, और ये हमारे साथ एक और हैं वेदान जी। हैं वेदान जी, तो पूजा में बैठोगे फिर आप? हाँ जी, मैं तो बैठूंगा। अच्छा, तो हो गई पूजा? शुरू हो गई पूजा? तो अभी शुरू हो गई। अच्छा, तो फिर चलते हैं। चलो फिर चलते हैं, पूजा में ही दिखाते हैं आपको। और अंदर हो गई है पूजा शुरू, तो चलते हैं फिर पूजा में। दक्षिणाम समर्पयामि नमः। बडुकनाथ भैरवाय नमः। नमस्करोमि अखंड दीपस्तदेवेभ्यो नमः। नमस्करोमि ओम शुभम बौद्ध कल्याणम आरोग्य सुख संपदा सर्व कष्ट विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सूर्य नारायणाय नमः। ओम आकृष्णेति तिष्ठुप छंदा सूर्यो देवता सूर्य अर्घ्य करणे विनियोगा। ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नामर्तम वर्तञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम हि सूर्यसहस्रासो तेजो राशि जगत्पते अनुकम्प्याम मां भक्त्या घ्राणार्घ्यं दिवाकरः। नारायणाय नमः। मंत्रपुष्पाजलिम समर्पयामि उपस्तकनम चित्रं देवानाम उदगम तनिकचक्षुम मित्रशाव ओम तच्चक्षुर्देवहितं भूरशमुचरतः पशेमसरदहंब। ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिव वंदना मृतोर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकम्। महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिव वंदना मृतोर्मुक्षीयमामृतात् श्रीश्चते लक्ष्मी सावधान्या अहोरात्रेर्पाश्वेन क्षतराणि रूपमस्विनं व्यार्थं मा विष्णन्निखाणामुमैखाण सर्वलोकं मैखाण अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा। दिगच्छन सतसुक्रा सूक्ष्मोपासे धीमा वयं देवानायो प्रतिरन्तो देवासे तान् पूर्वाया निविदाहो। महे वयं भगं वित्तमधीते दक्षमस्त्रिदं वा अर्जवनम् ब्रह्मणरायके नमः। प्रश्नदिव्ये नमः। भगवती श्रीराजराजेश्वरे नमः।
भगवती श्री चंद्रवदने नमः, भगवती श्री सुरकंडा दिव्ये नमः, भगवती श्री कुंजापुरी दिव्ये नमः। मंगलाय स्तनम हरि तदेव लग्नम सुजनम तदेवातारावलम चंद्रवलम विद्यावलम दैववलम तदेवा लक्ष्मी पदेतेन्द्रस्वरामी नावस्ते साम जयस्ते साम ते साम पराजया ये साम इंद्रवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दना यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र वार्तो धनुर्धरा राश्री विजयोर्भूते दूर्वा और ये अब आप देख सकते हैं, आज जैसे कि पांचवा दिन है नवरात्रि का, पंचमी है, और ये इतनी हरियाली आ चुकी है। और ये निकाल दिया है, इसमें जो कवर पूरे निकाल दिए हैं और पीछे से ये निकाल ही रहे हैं अभी। और ये निकाल के ये था, इसमें 5 दिन तक रखा था। और ये हरियाली, और ये तो खैर खुली थी, ये हरियाली इतनी है, और जो बंद थी। अयोधनीकृतं चैव मधु च सर्गरायुतं पञ्चामृतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृहतां पञ्चां स्नानं समर्पयामि पञ्चां स्नानां ते शुद्धोदकस्नानं गायत्री तृतीयं प्रसादं या सुजीवरतो भूत्वा धूतमावाय जव्यं सुप्तं पञ्चदर्शं च श्रीकामं सततं जपे महालक्ष्मीश्च विद्महे विश्वपत्नीश्च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओं कात्यायन्ये विद्महे कन्याकुमारी च धीमहे तन्नो शक्ति प्रचोदया। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि अलंकार कंकणम माणिक्य मुक्ता मणिखंड युक्ते सुवर्ण गाणी च संस्कृते ते किंकणे भी स्वर्णे स्वरिते सुवर्णे मयर्पिते देवी ग्राण कंकणे जगज्जन्ने नमः। हस्तयो कंकणम समर्पयामि कर्णभूषण ययो सुभक्षाणि माता माणिक्य मुक्ता मणिखंड युक्ते मा कण्डनानि शुभमृतताडगी मे कनकस्य कृत्वा मयर्पिते देवि ग्रहाण चेते जगदम्बाय नमः। कर्णयो कुण्डले अभावे अक्षतान् समर्पयामि रूपाम् आग्रापयामि जगज्जन्ने नमः। त्रिभुवन भूषणि शंकर दोषणि कल्मश मूषणि घोषरते धनुज निरोषिणि दुर्मुद शोषणि धुर्म निरोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते अय जगदम्बक दम्बन प्रिय वासिनि दोषणि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्य गे मधु मधुरे मधु कैटव गंज निमिष विदारिणी। आज पंचम दिन जो ये हरियाली का है, नवरात्रि का पांचवा दिवस, और हमारे साथ पंडित जी हैं, तो पंडित जी से ही जानेंगे कि इसका, इस दिन का महत्व क्या होता है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स लक्ष्मी पापात्मनाम कृतयाम हृदय स बुद्धि श्रद्धा स्नाम कुलनज प्रभव स लज्जाम ताम ताम लता स्म परिपाले देवी सुविश्वम। आज पांचवा दिन, और हमने हरियाली के दर्शन, सामान्य भाषा में बोले तो हरियाली, इसका महत्व क्या है कि हम लोग नवरात्रि 9 दिन का जो कार्यक्रम है, और माँ भगवती का हम पुण्यास्नी के रूप में इसको पूजते हैं। नवदुर्गा के 9 रूप हैं, और हम पुण्यास्नी माँ पुण्य करने वाली, और हम परिवार बौगणा परिवारों पर रक्षा करने वाली, सारे मानव जाति पर रक्षा करने वाली माँ भगवती का पूजन करते हैं। और प्रथम दिन से लेके और नवरात्रि तक 9 दिन तक हम क्या करते हैं, यव रोपण। पहले दिन क्या करा, जौ भिगाए और उसको मिट्टी और एक घास होती है जिसको हम बोलते हैं कुरिंजा, कई लोग उसको जामिर भी बोलते हैं, और उसका संपुट लगा के नीचे मिट्टी, बीच में जौ, और उसके ऊपर संपुट अर्थात किसी पत्ते का या जामिर का या कुरिंजा का, उसको क्या करते हैं संपुट लगा के। और पांचवें दिन उसको हम क्या करते हैं, अनावरण करते हैं, अर्थात पांचवा दिन होता है स्कंद माता का, और स्कंद माता सूर्य की
अधिष्ठात्री देवी है और माँ भगवती पार्वती का क्या है रौद्र रूप। और इसकी मान्यता यह है कि संपुट हटा दिया अर्थात हमारे जितने भी कष्ट हैं वो क्या हो गए हट गए और हमने अब क्या करा नव संचार अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का संचार, नई ऊर्जा का संचार और संतति संपत्ति यश की कामना की वृद्धि के खातिर क्या करा उसके दर्शन करते हैं और वही माँ भगवती भी उसके दर्शन हमें उसी प्रकार से देती है। कैसे? जैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी। तो हमारे मान्यता है कि यव के दर्शन करना, हरियाली के दर्शन करना अर्थात हरा भरा रखना, परिवार को हरा भरा रखना और माँ भगवती भी सब पर अपना कृपा बनाए रखती है और परिवार को सद्बुद्धि की प्राप्ति करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी। और प्रणय जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि जो अनावरण होता है, खैर पूरी डिटेल तो उन्होंने बता दी कि पांचवा दिन जो होता है उसी दिन हरियाली को अनावरण करते हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।